हमें आगे ले चलने वाला कैसा है, वो हमारे लिए कैसे खड़ा हो सकता है, हम जिसके साथ खड़े हैं वो हमारे लिए कहां तक खड़ा है, इस बात को जानने का मौका आप लोगों को मिला। अब मैं कार्यक्रम की को अवसान की ओर ले जाते हुए अपने भारतीय भाजयुमो जिला प्रवक्ता दरभंगा जिले के सबसे चर्चित मुखिया भाई शमसे आलम जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापित करें हमारे आगत अतिथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे बड़े नेता जी लोग बोल चुके थे, मेरा बोलना मुनासिब नहीं था, लेकिन मेरे माननीय विधायक जी अध्यक्ष जी की मेहरबानी से एक दो लाइन बोल दें, धन्यवाद ज्ञापन कर दें। एक दो बात कहेंगे कि मैं यहाँ मुखिया हूँ, इससे पहले मैं पंचायत समिति सदस्य था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1998 25 दिसंबर 1998 को सदस्यता ग्रहण किया था, 98 से आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अब मैं पंचायत समिति सदस्य कैसे बना वो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, एक पहचान बनाई हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी का सेवा करके पंचायत समिति सदस्य बना युवा मोर्चा में, और फिर भारतीय जनता पार्टी का सेवा बन कर करके इस बार मैं मुखिया बना। पहचान कैसे बनी, अरे भाई ने बहुत अच्छी बात करे, अनुशासन कायम रखना चाहिए, हम कायम अनुशासन रखा, ये नहीं कहा कि ये पंचायत समिति सदस्य है, घुसखोर है, चोर है, और देखो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये कहने का हम लोगों ने किसी को मौका नहीं दिया। माननीय विधायक हमारे संजय सरावगी जी के नेतृत्व में जो भी राजनीति हमने किया, इनके आशीर्वाद से आज तक हम यहाँ पहुँचे, और इनके गाइडलाइन पर मेरे गुरु जी हैं, अपने गुरु जी के गाइडलाइन पर आज भी हम चल रहे हैं, और आज भी हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ता का एक भी आदमी बदनामी के अपने सर पर आने नहीं दिया, अपने क्षेत्र में कोई गाली नहीं दे सकता है कि ये चोर है, ये बेईमान है। हमारे पंचायत में घूस नहीं चलता है, समिति भी था तो किसी चीज़ में घूस नहीं लगा, मैं इंदिरा आवास में किसी चीज़ में घूस नहीं लगा। आज मैं मुखिया हूँ, बहुत सारे लोग पंचायत में 20,000-25,000 इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास में ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब प्रधानमंत्री आवास भी फ्री है, वृद्धा पेंशन भी फ्री है, किसी भी चीज़ का योजना, कोई भी धरातल पर केंद्रीय योजना हो, बिहार राज्य की योजना हो, घूस नहीं लगता है और न लेने देते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुखिया बात है, पहले मुखिया नहीं, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ऐसे पहचान बनी है अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, मतलब कि अपनी अनुशासन जो हम लोग जिंदा रखे हुए हैं, और हम अपने कार्यकर्ता लोगों से भी, अपने छोटे बड़े भाई लोगों से भी, छोटे भाई लोगों से भी कहूंगा कि इस चीज को हम लोग बनाए रखे, मेंटेन, थोड़ा मौका मिल गया तो लाइन बोल देते हैं विधायक जी, हमको ऐसे भी कम बोलने देते हैं, लेकिन हम एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि समिति में बाद में हूँ, मुखिया में बाद में हूँ, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की वजह से आज मैं जो भी पद पे हूँ उसका पार्टी की वजह से हूँ। जो बहुत अच्छी बात बोले थे हमारे माननीय अध्यक्ष जी नितिन जी भैया के, राज्यपाल से राष्ट्रपति उनको पता भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो खूबी है इस पार्टी के अंदर, किसी को कुछ पता नहीं होता, बड़े बड़े पद पर लोग चला जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, ईमानदारी पे काम करें हम लोग, अब मिलजुल करके हम लोग काम करें, और बहुत बड़ी बात एक बात हम बताएंगे आपको कि हम लोग कोशिश करें कि अपनी पार्टी की बात करने की कोशिश करें, हम लोग एक चुप कर देते हैं, सिर्फ दूसरे पार्टी का नाम लेते हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, दूसरे पार्टी का नाम लेते हैं, उसे क्या पता चलता है कि 10 आदमी जो बैठा होता है तो बार बार उसके कान में 10-20 बार दूसरे पार्टी का आवाज जाता है, कान में बात जाता है, तो कान वो मजबूत थोड़ा मेरे ख्याल से, हम अपने पार्टी की बात करें, अपनी अच्छाई बतावे, तो शायद जो नहीं जिसको पता है उसको मेरी अच्छाई पता चल जाए, दूसरे की बुराई बताने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपने पार्टी की अच्छाई बताने की कोशिश करें। हम अपना समय का नाम खा लेते हैं, दूसरे का नाम लेते हैं, कितना बार हम उसका नाम लेते हैं और उसकी बुराई बताते हैं, मैं कोशिश करूँ हम सब कि अपने पार्टी की अच्छाई बतावे, 100 बार अपने पार्टी का नाम बोले, नाम ले नहीं, मेरी पार्टी ऐसी है, मेरे पार्टी का ये काम है, मेरे केंद्र सरकार की ये योजना है, हर चीज बताते चले, बार बार अपने पार्टी का नाम, अपने युवा मोर्चा, अपने मोर्चा का नाम लेते रहे, लेकिन दूसरे पार्टी का बार बार हम नाम नहीं ले। माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी जगह जाना है तो आप बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारे युवा मोर्चा की टीम, हमारे दरभंगा की टीम, हमारे जिला की जितने भी जनप्रतिनिधि महोदय आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार बोलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, मजा नहीं आया लगता पटना पर नहीं जाइएगा, एक बार जोर के बोलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।
एक दुखद समाचार हमारे परिवार के लिए, हमारी